मैडम आपका नाम क्या है? अंजला देवी। और आप कहाँ रहती हैं? मैं खिचड़ीपुर में रहती हूँ, रिलायंस प्लेस के सामने। आपका विधायक कौन है? विधायक यहाँ का विधायक कौन है? भावना मलिक। एमएलए? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। अच्छा, ये लॉकडाउन में आपको जो है कि काम धंधा आपके पास था? नहीं था भैया, हमने तो दोनों माँ बेटा 17 मार्च को बैठ गए, घर बैठ गई। लेकिन जो भी है, हमको सरकार तरफ से हर एक महीना 2500 रुपया आया, एक बार की दो बार हमको शायद 5000 रुपया भी दिए उनके। तो हम बहुत ही, कौन सी सरकार, मोदी की केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल ने दिए है। और केजरीवाल के आने से हमको पेंशन भी मिला है, पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ है, उनके तो हम बहुत ही भारी हुआ। और मुझे एक रिक्वेस्ट इनसे और है, जो मेरी बेटी का विकलांग सर्टिफिकेट बन जाए। वो नहीं किया आपने कहीं पर उसका? मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ, लाल बहादुर 4-5 बार गई हूँ, वो मैडम लिख ही नहीं रहे। लाल बहादुर में हमने कितने बार जा चुकी हूँ, पेपर ऊपर भी बन चुका है। रसीद वसीद है उसका, अप्लाई किया हुआ? हाँ होगा, रसीद तो है, रसीद दे दीजिए। और हमको लेकिन उनकी ऑफिस ने बताया कितने आदमी, एक हमारे पड़ोसी। ऑनलाइन आपने अप्लाई करी थी? नहीं, ऑनलाइन नहीं करी हमको, ये नहीं करी। ऑनलाइन करवा दीजिए और उसका रसीद ले लीजिएगा, ठीक है? हमको वो, और वो रसीद लेकर विधायक के ऑफिस चले जाइएगा। अच्छा, सिसोदिया साहब के। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में आपका खर्चा कैसे चला? लॉकडाउन में यही सरकार के मेहरबानी से हमको जो भी पैसा आया, थोड़ा बहुत जैसे राशन आगे पीछे करके मिला, उन सब से हमको खर्चा चला। केजरीवाल सरकार ने भी आपको कुछ पैसे दी थी? हाँ, केजरीवाल सरकार ने हमको 2500 रुपया, जैसे 2 महीना का 5000-5000 रुपया आया, ऐसे कर करके हमको अभी तक उन्होंने दे ही रहा है, अभी तक हम उन्हीं के चल। तो केजरीवाल सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, उनके लिए तो हम बहुत ही भारी है, बहुत ही अच्छे है, वो हमको चला रहे, कैसे भी अपना सदर्श मान रहे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।